तू मुझसे कितना प्यार करती है। अरे तू प्रपोज करके तो देख, मैं तेरी बन जाऊंगी, मैं अपना पिज्जा छोड़ तेरे साथ बैठ के भंडारा भी खाऊंगी। तो गाइस आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में जिस वीडियो को देखा, ये वीडियो फ्रेंड्स अभी टिकटॉक में काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। अगर दोस्तों आप वीडियो को अपना स्क्रॉल कीजिएगा टिकटॉक में दोस्तों, तो फ्रेंड्स आप 10 में से फ्रेंड्स दो वीडियो आपको इसी टॉपिक के ऊपर मिलेंगे। तो गाइस मैंने सोचा ये तो ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर क्यों ना वीडियो बनाया जाए। तो गाइस आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में जिस वीडियो को देखा, गाइस आज मैं आपको कुछ इस तरह का वीडियो बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक आपके भाई को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और दोस्तों अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दे, ताकि गाइस वो भी कुछ इस तरह का वीडियो बना के टिकटॉक में कुछ लाइक्स और फॉलोअर बढ़ा सके। गाइस अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मेरा नाम है विद्युत और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल JSR कलौंडा में। गाइस अगर आप मुझे बकते हुए पहली बार सुन रहे हो या फिर मेरे चैनल पे दोस्तों आप पहली बार आए हो, तो फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके दोस्तों आप ऑल सेलेक्ट कर ले, ताकि गाइस मैं कुछ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। गाइस इस तरह का वीडियो बनाने के लिए जो आपको बिहाइंड द सीन शूट करना है दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं मैं फ्रेंड्स डायलॉग को प्ले करके दोस्तों यहां पर कुछ इस तरह से एक्टिंग कर रहा हूं। आप भी गाइस कुछ इसी तरह से एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर लीजिएगा। इसके बाद का जो प्रोसेस है दोस्तों, आपको अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल काइन मास्टर एप्लीकेशन का ओपन करना है। तो गाइस चलिए आप अपने स्मार्टफोन के काइन मास्टर को ओपन कीजिए, मैं दोस्तों वहां पर जाकर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो मेरे स्मार्टफोन का काइन मास्टर एप्लीकेशन है दोस्तों, उसको मैंने ओपन करके रखा है। अब गाइस आपको जो बीच में न्यू ओपी फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले न्यू ओपी फाइल में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह के तीन एक्सपेक्ट रेसिओ आपके सामने आएंगे। यहाँ पर गाइस जो आपको एक्सपेक्ट रेसिओ सिलेक्शन करना है वो है आपका 9:16 का। आपको गाइस 9:16 एक्सपेक्ट रेसिओ में क्लिक करके अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन का आपको ओपन कर लेना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब गाइस आपको क्या करना होगा, आपको जो राइट साइड में मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले मीडिया फ्रेंड्स को क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से गाइस आपको अपना पसंदीदा बैकग्राउंड आपको सिलेक्शन कर लेना है। मैं गाइस आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ भी एक बैकग्राउंड को सिलेक्शन करता हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा बैकग्राउंड है दोस्तों, उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस आपको इस पहले बैकग्राउंड का ड्यूरेशन को आपको कुछ इस तरह से आपको बढ़ा लेना होगा। कुछ इस तरह से बढ़ा लेने के बाद गाइस आपको कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आना है। आने के बाद दोस्तों आपको जो राइट साइड में लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना होगा। और दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा दोस्तों। और यहाँ से गाइस जैसा मैंने बिहाइंड द सीन मेरा वीडियो को शूट करके दिखाया है, आप दोस्तों जो अपना वीडियो शूट किए हो उस वाले वीडियो को फ्रेंड्स आपको सिलेक्शन करना होगा। मेरा दोस्तों जो रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस आपको इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस तरह से इसको फुल स्क्रीन में करना है। फुल स्क्रीन में कर लेने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आप गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा बैकग्राउंड है गाइस थोड़ा मेरा एक्स्ट्रा रह जा रहा है। तो गाइस मैं क्या करूँगा, अपने वीडियो के बराबर में इसको कुछ इस तरह से कर दूंगा। कर देने के बाद गाइस आपको फिर से आपको फर्स्ट तरफ आना होगा। आने के बाद आपको सीधा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, जहाँ पर गाइस मैंने उस लड़की का ग्रीन स्क्रीन का वीडियो देख के रखा है। आपको दोस्तों उस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से वीडियो डाउनलोड नहीं होता है, तो फ्रेंड्स आप मेरे टिकटॉक आईडी से भी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जो टिकटॉक आईडी है दोस्तों आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे ही मिल जाएगा। डाउनलोड करके आपको उस फाइल को सिलेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, जो आपको राइट साइड में लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना होगा। और दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा दोस्तों। और यहाँ से गाइस आपको लड़की का जो ग्रीन स्क्रीन का वीडियो आपको सिलेक्शन करना होगा। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो लड़की का ग्रीन स्क्रीन का वीडियो दोस्तों, उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपको इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस तरह से इसको फुल स्क्रीन में करना है। फुल स्क्रीन में कर लेने के बाद गाइस आपको जो ये ग्रीन स्क्रीन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इसको आपको हटाना होगा। इसको हटाने के लिए आपको जो राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा, देख सकते हैं इसी ऑप्शन का जब स्क्रॉल करके नीचे करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक क्रोमाकी का ऑप्शन दिखेगा। इसी वाले क्रोमाकी में क्लिक करके आपको फ्रेंड्स इसको इनेबल कर देना है। जैसे गाइस आप यहाँ पे इनेबल करेंगे, आपका जो पीछे का वीडियो है दोस्तों वहाँ पे दिखने लगेगा। अब दोस्तों अपना वीडियो को अगर आप प्ले करके देखेंगे दोस्तों, तो आपका वीडियो अभी कुछ इस तरह से दिखेगा, देख सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको दोस्तों लेफ्ट साइड में जो ये शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले शेयर में आपको क्लिक करके आपको अपना फाइल को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स आपको पता है आपको क्या करना होगा। तो गाइज बिना किसी देर के चलिए वीडियो पर अभी एंडिंग लगाते हैं।